राशि सरकार को देने के मामले अब तूल पकड़ने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बयान पर उज्जैन के संत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चौहान पहले अपने प्रभाव की संस्थाएं मदरसे वक्फ बोर्ड और जमातियों से केंद्र सरकार को सहयोग दिलवाएं। कोरोना आपदा से निपटने के लिए धार्मिक संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लेने के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान विवादों में आ गए हैं। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं अब संत समाज भी इस मामले में कूद गया है। उज्जैन में महानिर्वाणी अखाड़े के संत डॉक्टर अवधेश पुरी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले उन संस्थाओं को आदेश दे जो उनके प्रभाव में है और उनका वोट बैंक है, जैसे वक्फ बोर्ड, मदरसा, जमाती। इन संस्थाओं से कहें कि वे केंद्र का आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि हिंदू समाज के ज्यादातर मठ मंदिर पहले से ही शासकीय हैं और वे समय समय पर अपना योगदान भी दे रहे हैं। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी, पूर्व महामंत्री अखाड़ा परिषद उज्जैन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज सिंह चव्हाण जी के इस बयान पर कहना चाहता हूँ कि चव्हाण जी को चाहिए कि जो संस्थाएं उनके प्रभाव में हैं, जो संस्था उनका वोट बैंक हैं, चाहे वो जमात हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो अन्य लोग हों, मदरसे हों, उन लोगों को सुझाव दें कि वो इस समय मानवता के लिए सहयोग करें केंद्र सरकार का इस संकट काल में। क्योंकि हिंदुओं की बात करें तो हिंदू तो ऑलरेडी, हमारे तो हजारों मठ मंदिर ऐसे ही शासकीय हैं, वक्फ बोर्ड तो शासकीय है नहीं, हमारे हजारों मठ मंदिर शासकीय हैं और हम अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ महाकाल में जब से कोरोना का संकट आया है महाकाल स्वयं बंद हैं, लेकिन वहाँ अन्न क्षेत्र चालू है। ऐसे हमारी जितनी भी संस्थाएं धार्मिक हिंदुओं की, वो सब अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी कांग्रेस के प्रभाव की संस्थाएं हैं उनको चव्हाण जी सुझाव दें, हमको ज़्यादा सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार को क्या करना है केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है और बहुत विवेक के साथ मोदी जी कंट्रोल भी कर रहे हैं इस महामारी के ऊपर, तो हमें पूरा भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे।